एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों का ब्लूप्रिंट आ चुका है, तो मैं आज आपको राजनीति शास्त्र का कक्षा 12वीं का ब्लूप्रिंट बताऊंगा, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखना है, सारी चीज़ बताऊँ क्या क्या हटा है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। तो आपका कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र का ब्लूप्रिंट आ चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं वीडियो में बताऊंगा भी कौन कौन सी चीज़ें हट गई हैं आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है शीत युद्ध का दौर, पहला है, ठीक है ना। शीत युद्ध का दौर यहाँ से आपका 11 नंबर का है, ठीक है ना। कितने नंबर का रहेगा? 11 नंबर का रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट, जिसमें से आपका 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे? 4, 1, 2 नंबर का रहेगा, 1, 5 नंबर का रहेगा। यानी पहले पार्ट से आपके यूनिट से कुल 11 नंबर का रहेगा, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 1 रहेगा आपका 5 नंबर का और 1 रहेगा आपका 2 नंबर का। 5, 2, 7, 4, 11, ठीक है ना। फिर दूसरे पार्ट से 2 ध्रुवीयता का अंत, 14 नंबर का रहेगा, ठीक। कितने नंबर रहेगा? 14 नंबर रहेगा। इसमें से 3 रहेंगे एक ऑब्जेक्टिव टाइप में, 2 रहेंगे 2 अंक के, 1 रहेगा 3 अंक का, 1 रहेगा 4 अंक का, ठीक है ना। यानी आपके 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, 1 क्वेश्चन रहेगा आपका 3 नंबर का और 1 क्वेश्चन रहेगा आपका 4 नंबर का, ठीक है। फिर जो तीसरी यूनिट आती है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यहाँ से आपका 10 नंबर का होने वाला है, जिसमें से आपका 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 1 4 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा ना। यानी यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन बनेंगे। फिर समकालीन दक्षिण एशिया से 10 नंबर का आएगा, 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 रहेगा आपका 4 नंबर, 1 रहेगा 3 नंबर का। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नंबर का आएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, 16 नंबर का आपका आएगा, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर वाले और 1 रहेगा 5 नंबर वाला। ये भी यहाँ से भी आपको अच्छे से पढ़ना है इस पार्ट को, ठीक है। फिर आता है वैश्वीकरण, यहाँ से आपका 8 नंबर का रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव, 1 रहेगा आपका 2 नंबर का और 1 आपका रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यहाँ से भी आपका रहेगा 1 ऑब्जेक्टिव, 1 2 नंबर का और 1 आपका 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। कांग्रेस प्रणाली चुनौतियों और पुनर्व्यवस्था, इसे 3 नंबर रहेगा, 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ना है, कांग्रेस प्रणाली चुनौती प्रणाली, यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, 11 नंबर का आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 1 3 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आएगा। भारतीय राजनीति नए बदलाव, यहाँ से 9 नंबर का रहेगा, 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 1 आपका रहेगा 3 नंबर का और 1 रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपके हैं, जहाँ ज़्यादा नंबर का आएगा, तो आपका है पार्ट पहला, ठीक है ना। आपका पहला शीत युद्ध का दौर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, है ना। इनको आपको हर हाल में अच्छे से पढ़ लेना है, एक चीज़ पढ़ना, ठीक है ना। और आपका 9वां नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5 इकाई और 9 इकाई को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ से हटा क्या है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें आपकी हट गई हैं, जो आपका यूनिट नंबर आपका 6 हट चुका है, 7 हट चुका है, 10वीं यूनिट हट चुकी है, 11वीं से देखिए ये यहाँ थोड़ा समझेंगे आप बात को, जो आपकी यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। जो आपकी यूनिट 6 और 7 यानी कि सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी बर्ड्स है ना, कंटेम्प्रेरी बर्ड जो है, यहाँ से आपका क्या है, पूरा डिलीट हो चुका है, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका पूरा डिलीट है। फिर जो आपका आता है 10वीं यूनिट है, ठीक है ना, 10वीं यूनिट से आपका कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, जिसमें से चेंजिंग नेचर ऑफ इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग कमीशन एंड 5-ईयर प्लान्स, ये आपका हट चुका है। हालांकि मैं इसका आपको हिंदी में बहुत जल्दी आपको ला दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में इसको ला दूंगा। फिर आपका 11 यूनिट से का हट है आपका इंडियाज रिलेशंस एंड इट्स नेबर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, ये चीज़ आपकी हट चुकी है।
14 पार्ट से, 14 यूनिट से आपका सोशल एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये आपकी पूरी इकाई डिलीट हो चुकी है, और 15 भी आपका पूरा इकाई डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। अगर आपको इसका हिंदी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम इसका हिंदी बना देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं।